दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए नई भर्ती की अपडेट लेके आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में आबकारी कॉन्स्टेबल जीडी और ड्राइवर कॉन्स्टेबल की। डिटेल्स में हम आपको जानकारी देंगे। आबकारी कॉन्स्टेबल के लिए सैलरी 25,200 तक है और 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जीडी और ड्राइवर कॉन्स्टेबल के लिए सैलरी 20,200 पर माह के लिए है और 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो अलग अलग नोटिस जारी कर दिए गए हैं, एक नोटिस आबकारी कॉन्स्टेबल और एक नोटिस जीडी और ड्राइवर कॉन्स्टेबल के लिए। दोनों नोटिफिकेशन के हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे कि क्या इन भर्तियों की आयु सीमा है, क्या आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा, कैसे आप इन भर्तियों की अलग अलग दो नोटिफिकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप किसी भी पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। स्टेप वाइज पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इन दो बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, दोनों की दोनों भर्ती पुलिस डिपार्टमेंट में निकली है। जो कैंडिडेट डिफेंस सेक्टर में करियर बनाने की चाह रखते हैं उनके लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है। जो फर्स्ट नंबर की भर्ती है वो निकली है मेल कॉन्स्टेबल जीडी, कॉन्स्टेबल ड्राइवर और फीमेल कॉन्स्टेबल के लिए। और जो दूसरे नंबर की जॉब है वो निकली है एक्साइज कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए, इसमें लेडी एक्साइज कॉन्स्टेबल भी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर कॉन्स्टेबल मेल, जीडी ड्राइवर और फीमेल कॉन्स्टेबल की जानकारी देंगे। उसके बाद हम आपको एक्साइज यानी कि आबकारी कॉन्स्टेबल की जानकारी देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो पुलिस डिपार्टमेंट ने नया नोटिस जारी कर दिया है मेल कॉन्स्टेबल जीडी, कॉन्स्टेबल ड्राइवर और फीमेल कॉन्स्टेबल के लिए। इसके लिए यहाँ पर टोटल 1,063 पद खाली है। सैलरी की वही बात की जाए तो 5,910 से 20,200 है, प्लस ग्रेड पे इसमें 1,900 रुपये रहेगा और साथ साथ शुरुआती वेतन 7,810 रुपये यहाँ पर रहेगा। योग्यता की बात की जाए तो 12वीं क्लास पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 28 वर्ष है। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो जो फर्स्ट नंबर की जॉब है वो हिमाचल प्रदेश में है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए 140 रुपये आवेदन शुल्क है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 35 रुपये है। शुल्क जमा करने का प्रोसीजर आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट है hppolice.nic.in। जी हाँ दोस्तों, इसी पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो जो कि स्टार्ट होंगे 30 मार्च 2019 से। जी हाँ दोस्तों, 30 मार्च को ही इसके ऑफिशियल पोर्टल पर अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, आप तभी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आप इस भर्ती के लिए 30 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी फर्स्ट नंबर जॉब की पूरी जानकारी। उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड नंबर की जॉब देख सकते हो जो निकली है एक्साइज कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए। इसके लिए यहाँ पर 3,000 खाली पद है। सैलरी 5,400 से 25,200 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी, प्लस ग्रेड पे इसमें आपका 2,600 रुपये रहेगा। योग्यता की बात कीजिए तो 12वीं क्लास पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 27 वर्ष है। जॉब लोकेशन वेस्ट बंगाल है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क की वहीं बात की जाए तो ऑल कैटेगरी के लिए जो वेस्ट बंगाल के है 220 रुपये है, प्लस एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 200 रुपये, प्लस प्रोसेसिंग फीस 20 रुपये यहाँ पर रखी गई है। एस सी एस टी जो वेस्ट बंगाल के हैं उनके लिए 20 रुपये यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस आपको ओनली जमा करनी होगी। शुल्क आप ऑनलाइन तरीके से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जमा करा सकते हो, या फिर ऑफलाइन तरीके से भी ई वॉलेट्स और भारत क्यू आर और UPI ऐप से भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री रिटर्न टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फाइनल रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से। अप्लाई आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हो। बहुत तरीके से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है wbpolice.gov.in। वही बात डेट की जाए तो इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर स्टार्टिंग डेट देख सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन करने की 11 मार्च 2019 थी और लास्ट डेट ऑनलाइन या ऑफलाइन करने की 10 अप्रैल 2019 है। और साथ साथ यहाँ रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट ऑफलाइन तरीके से 10 अप्रैल 2019 है। जी हाँ दोस्तों, फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट की बात की जाए तो 12 अप्रैल 2019 है।
तो दोस्तों ये थी दो बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी जो कि यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकली है। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है हिमाचल प्रदेश पुलिस एचपी पुलिस में भर्ती निकली है। जो सेकंड नंबर की जॉब है वो वेस्ट बंगाल पुलिस, जी हाँ दोस्तों, डब्ल्यूबी पुलिस में भर्ती निकली है। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे और इन पेज पर पहुंचकर आप यहीं से इनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोनों जॉब के अलग अलग यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिंक दिए गए हैं और साथ साथ अप्लाई ऑनलाइन भी आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो। एचपी के लिए भी आप यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। जो डब्ल्यूबी पुलिस है उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हो ऑनलाइन फिलअप यहाँ से कर सकते हो फॉर्म, और ऑफलाइन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर दिया गया है और साथ साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हो और साथ साथ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स भी आप ऑफलाइन जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके आप यहाँ से चेक कर सकते हो, और ऑनलाइन के लिए आपको यहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। बाकी की जानकारी के लिए आप ऑफिशियल लिंक पर भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी डिफेंस सेक्टर की दो बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।